हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको पोमेरियन, जिसे हम पोमेरेनियन भी बोलते हैं, इस ब्रीड के पप्पी की संपूर्ण डाइट चार्ट यानी संपूर्ण डाइट प्लान मैं आप सभी के लिए लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। जिनके घर पे पोमेरियन पप्पी है उन्हें पता है कि ये जो स्मॉल टॉय ब्रीड है, इसको अगर हम इधर उधर का थोड़ा बहुत भी खिला दें तो ये उसके लिए समस्या खड़ी कर देता है, उसे बीमार कर देता है। इसलिए हमने एक ऐसा डाइट प्लान बनाया है जो आप सभी को फॉलो करना चाहिए। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 100% फॉलो करें, आप अपने विवेक के हिसाब से या आप अपने नज़दीकी डॉक्टर की राय के हिसाब से भी उसे दे सकते हैं, लेकिन हमने जो चार्ट बनाया है, अपनी समझ के हिसाब से बनाया है, इसे अगर आप फॉलो करेंगे तो निश्चित ही आपके जो पोमेरियन पप्पी है वो बीमार नहीं होंगे और एकदम से हेल्दी रहेंगे। तो आइए साथियों, वीडियो शुरू करते हैं। जो ही आप पोमेरियन पप्पी घर पे लाते हैं, या मान लीजिए कि उसकी मदर ने उसको वहीं पे बर्थ किया है, वो वहीं हमारे घर में ही जन्मा है, तो उसका जो डाइट प्लान है वो हमें एक निश्चित रूप से तय करना है। उसमें साथियों, अगर हम जन्म से लेकर के 30 दिन यानी 1 महीने तक की खुराक देखें, तो उस खुराक में हमें सिर्फ मदर मिल्क ही देना है, यानी माँ का दूध ही देना है। किसी भी परिस्थिति में अगर मान लीजिए माँ का दूध ना मिले, तब हमें मार्केट से दूध ला करके इस्तेमाल करना है, वो भी किसी गाय भैंस या बकरी का नहीं लाना है। पप्पीज के लिए अलग से एक मिल्क रिप्लेसर मिलता है मार्केट में, मिल्क रिप्लेसर, वो आप लेके आए और दूध की जगह आप वो पिलाएं, वो बहुत ही अच्छा रहता है। इसके बाद जो ही पप्पी 1 महीने से बड़ा हो जाता है, पोमेरियन जो पप्पी है उनको 1 महीने से लेकर के और 3 महीने तक हमें स्टार्टर फूड देना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी विषय है, क्योंकि 3 महीने तक इनकी जो मोर्टिलिटी होती है, मृत्यु दर जो होती है, वो ज़्यादा होती है। 3 महीने के बाद धीरे धीरे इनमें एंटीबॉडी विकसित हो जाती है और फिर इनमें जो मृत्यु दर है वो कम रहती है। यानी 3 महीने तक हमें इनका विशेष ख्याल रखना है, कोई भी ऐसा अटपटा आहार नहीं देना है जिससे उनकी तबीयत बिगड़ जाए, ये आप विशेष ध्यान रखें। तो 3 महीने तक हमें स्टार्टर जो देना है वो कम से कम दिन में 4 बार देना है। ऐसा नहीं कि आपने एक बार खूब दे दिया फिर शाम को खूब दे दिया, नहीं, आपको पूरा का पूरा डाइट जो है उस पर, जो भी आप स्टार्टर लेके आएंगे उस पर स्ट्रिप होती है, उस पर लिखा हुआ रहता है कि आपको पर डे वजन के हिसाब से आपके पप्पी को इतना देना है। तो उस खुराक को आपको 4 भागों में डिवाइड करना है, यानी सुबह जल्दी दे दें, उसके बाद 10-11 बजे और दे दें, उसके बाद 3-4 बजे और दे दें, और नाइट में 8-9 बजे और देना, यानी इस हिसाब से आपको उसको 4 भागों में हर 4 घंटे के अंतराल से देना है, वो बहुत ही बेस्ट रहता है। और देने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूं कि जो स्टार्टर आते हैं वो हार्ड फॉर्म में आते हैं, और हमें इसे अपने पप्पी को, जब वो छोटा रहता है, जब बड़ा हो जाता है थोड़ा बहुत, तब तो वो हार्ड को भी खाने लग जाता है, लेकिन जब वो छोटा रहता है तो उस समय हमें इसे मिल्क रिप्लेसर मिला करके नम कर देना है, यानी मॉइस्चर कर देना है। मिल्क रिप्लेसर आप थोड़ा सा मिलाएंगे तो वो जो भी दाने हैं वो मॉइस्चर हो जाएंगे, और उसके बाद आपका पप्पी जो है वो आराम से उन्हें खाएगा। ये हमें 4 टाइम देना है। इसके अलावा जो ही दोपहर का समय है, मान लीजिए हम थोड़ा बहुत बदलाव करना चाहें, हमारा पप्पी 2 महीने का हो गया है, तो उसके बाद आप थोड़ा बहुत चावल जो है वो मास करके दे सकते हैं, दाल का पानी आप दे सकते हैं बोइल्ड करके, थोड़ा बहुत पम्पकिन, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत पम्पकिन आप उसे खिला सकते हैं, थोड़ा सा उसका जो एप्पल है उसका छिलका उतार दें और उसके बीज भी निकाल लें, और उसे स्लिमली, जो मतलब लाइटली, उसे थोड़ा सा बॉइल्ड करके और आप दे सकते हैं। ये भी खुराक 2 महीने बाद आप धीरे धीरे ऐड कर सकते हैं। इसके बाद साथियों, 3 महीने से 6 महीने तक की जो एज है उसमें जो हमें डाइट प्लान तैयार करना है, उसके लिए भी आप यही रूल रखें कि हमें पूरा का पूरा भोजन प्रतिदिन का जो है उसे 4 भागों में बांटना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला जो भाग है सुबह वाला, सुबह वाले में आप एक विशेष काम करें कि जो आप स्टार्टर दे रहे हैं उसे धीरे धीरे हमें कम करना है और पप्पी फूड की तरफ लाना है, यानी आपको 3 महीने बाद हमारे पप्पी को पप्पी फूड देना है। पप्पी फूड आता है अलग से, तो वो भी आपको एकदम से शुरू नहीं करना है। 3 महीने बाद आप सुबह की डाइट में जो स्टार्टर है वो ऐड करें, उसे दही के साथ मॉइस्चर करके दे दें,
दही बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद दोपहर के समय में आप ब्राउन राइस या जो वाइट राइस है वो भी आप दे सकते हैं। इसके अलावा आप उसमें थोड़ा सा पनीर मिला सकते हैं। इसके अलावा दही आप दोपहर की डाइट में और मिला दें, वो भी अच्छा रहता है। थोड़े से पोटैटो, यानी एक पोटैटो का छोटा सा टुकड़ा, ज़्यादा नहीं, छोटा सा टुकड़ा भी आप उसमें बॉइल्ड करके मिला सकते हैं। ये चीज़ें हमें दोपहर के खाने में देनी है। उसके बाद आते हैं इवनिंग में, यानी कि 5-6 बजे का समय जो है, उस समय में आपको एज ए ट्रीट खाना देना, यानी थोड़ा सा लाइट खाना उसे देना है। उसमें आप एज ए ट्रीट जो है डोग बिस्किट दे सकते हैं, जो छोटे वाले आते हैं, वो भी ज़्यादा नहीं देने, ट्रीट मतलब थोड़ा सा ही देना है। अभी क्या करेंगे हम, अभी उसे रो एप्पल दे सकते हैं। आप छिलका हटा लें और काट करके बीज हटा लें और जो काट करके ऐसे ही उसे छोटे छोटे टुकड़े करके दे सकते हैं। बनाना आप दे सकते हैं छोटे छोटे टुकड़े करके, पपाया आप छोटे छोटे टुकड़े करके दे सकते हैं। यानी ये सभी चीज़ें ज़्यादा नहीं, एज ए ट्रीट हम शाम वाले खाने में ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं साथियों जो लास्ट वाला भोजन है, रात्रि भोजन। उस खाने में हमें विशेष तौर से इस एज के लिए अंडा ऐड करना है। और आप अल्टरनेट डे, एक दिन आप अंडा दें, एक दिन आप पम्पकिन बॉइल्ड करके दे दें, यानी अल्टरनेट डे आप इसे थोड़ी सी हैवी डाइट शाम के समय आप दे सकते हैं। उसमें भी अंडे के साथ आप जो फूड लेके आए हैं, पप्पी फूड, वो ऐड कर सकते हैं। और पप्पी फूड को शाम के समय अगर हम मिल्क रिप्लेसर में नम करके दें तो वो बहुत ही बेस्ट रहता है। ये पोमेरियन के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा अगर आप शाम के समय मिल्क रिप्लेसर में पप्पी फूड को नम करके दें तो बहुत ही अच्छा रहता है। ये आप विशेष ध्यान कर लें। बाकी एक जो है अल्टरनेट डे आपको देना है, पम्पकिन भी आप शाम को दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से 6 महीने तक की जो डाइट है ये हमें फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 5 महीने की एज पर आते आते हमने स्टार्टर बंद कर दिया है और पप्पी फूड पूरी तरीके से हम उसे पप्पी फूड पे ले आए हैं। अब हमें जो पप्पी फूड देना है 6 महीने बाद, हमें एक विशेष शेड्यूल बनाना पड़ेगा जो हम 18 महीने तक फॉलो कर सकते हैं। जो भाई जानकार हैं अपने विवेक से इसमें बदलाव भी कर सकते हैं, लेकिन हमें जो आइडियल रखना है वो इस हिसाब से रखना है कि सुबह के समय हमें पप्पी फूड देना है, वो भी दही में मॉइस्चर करके देना है। आप अगर मॉइस्चर ना करें तो ऐसे भी दे सकते हैं, लेकिन दही उसे ज़रूर दें। इसके बाद दोपहर के खाने में, दोपहर के खाने में आप ब्राउन राइस दें, ब्राउन राइस ना तो वाइट राइस दे सकते हैं। इसके अलावा आप पोटैटो दे सकते हैं, स्वीट पोटैटो दे सकते हैं बॉइल्ड करके। और इसके बाद जो है दही और पनीर, यानी पनीर भी आप दोपहर के खाने में ऐड कर सकते हैं, दही भी आप दे सकते हैं, बटर मिल्क आप चाहें तो दे सकते हैं। ये हो गया दोपहर का खाना। इसके बाद आते हैं शाम के खाने पे। शाम का जो खाना है वो हमें एज ए ट्रीट ही देना है। एज ए ट्रीट मतलब थोड़ी सी मात्रा में देना है। जैसे हमने आपके एप्पल दे दी, पपाया दे दिया यानी पपीता, बनाना दे दिया, यानी कि ये सभी चीज़ें हम काट करके और अपने पप्पी को दे सकते हैं। इसके अलावा जो डॉग बिस्किट्स आते हैं, एज ए ट्रीट, ज़्यादा नहीं देने, एज ए ट्रीट आप डॉग बिस्किट भी उसे खिला सकते हैं। ये हो गया इवनिंग का। अब आते हैं नाइट की तरफ। नाइट में हमें चिकन मटन यूज़ करना है। एग आप आराम से यूज़ करें, तो चिकन मटन एग ये सभी चीज़ें हमें नाइट में यूज़ करनी है। इसके साथ आप पप्पी फूड भी मिला सकते हैं। जब हम 6 महीने की एज के बाद जब ये अन्य चीज़ें देने लग जाते हैं तो आप पप्पी फूड की मात्रा थोड़ी बहुत उस हिसाब से कम कर दें। बाकी शाम के समय अगर आप चिकन मटन या एग वगैरह नहीं देते हैं, चिकन मटन नहीं देते हैं, तो पप्पी फूड की हमें मात्रा जो है वो अच्छी देनी है। और अगर आप चाहें तो इसे पानी में भी मॉइस्चर करके दे सकते हैं, या मॉइस्चर ना करें तो आप ऐसे भी खिला सकते हैं। ये हो गया, आपको 18 महीने तक ये डाइट प्लान फॉलो करना है। इसके बीच में आप अपने विवेक से बदलाव करना चाहें तो भी कर सकते हैं। पप्पीज़ में जो ग्रोथ होती है वो थोड़ी स्पीडली होती है। इसके लिए क्या है कि जितना भी हम ये खाना दे रहे हैं, हालांकि उसमें विटामिन्स और मिनरल्स की पूर्ति हो जाती है, लेकिन कई दफ़े वो गंदी चीज़ें खाने लग जाता है या ऐसी कोई शिकायतें होने लग जाती है। तो ऐसी शिकायतें ना हो इसके लिए आप उसके फूड में मल्टीविटामिन और कैल्शियम सिरप
अपने नज़दीकी जो भी पेट है उनकी सलाह से आप शुरू जरूर कर दें। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये भी आप ध्यान रखें। और डीवॉर्मिंग, अंत में आया हूँ सबसे प्रमुख विषय पे, और वो विषय है डीवॉर्मिंग। हमें जब हमारा पपी 2 सप्ताह का हो जाता है, 14-15 दिन का हो जाता है, उस समय से हर 2 सप्ताह से हमें उसकी डीवॉर्मिंग करनी है, जब तक वो 3 महीने का नहीं हो जाता। 3 महीने से 6 महीने के बीच में हमें उसकी हर महीने डीवॉर्मिंग करनी है। डीवॉर्मिंग के लिए कौन सी दवाएं यूज करनी है, कैसे करनी है, वो सभी हमने अलग तरीके में बताया है, अलग वीडियो में बताया है, जो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी डीवॉर्मिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।